हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में मैं अपने हीरो प्लेजर में हजार्ड लाइट का इंस्टॉलेशन करूंगा और हाईवे फ्लैशर को इसमें इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। और ये जो हाईवे फ्लैशर है वो ऑटो फाई हाईवे फ्लैशर है, ये फोर वायर हाईवे फ्लैशर है, ये यूनिवर्सल है। आप इसको चाहे बल्ब हो चाहे LED हो, इसको आप किसी भी इंडिकेटर में यूज कर सकते हैं। और इसका जो मैंने पिछले बार वीडियो बनाया था वो R15 में इसको लगा के दिखाया था मैं, तो इस बार मैं हीरो प्लेजर में इसको लगा के दिखाऊंगा। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि ये चारों इंडिकेटर किस लिए ऑन किए जाते हैं। कई सारे लोग तो मतलब वैसे ही शौक के लिए लगा लेते हैं कि हाँ मेरा चारों इंडिकेटर ऑन हो रहा है, तो इसके यूज होते हैं। जैसे आप कभी हाईवे पे जा रहे हैं और आपका व्हीकल किसी कारण से वहीं रुक गया, या तो टायर पंक्चर हो गया या कोई और प्रॉब्लम आ गई कि बीच में रुकना पड़ा, तो आप जल्दी से उसको ऑन कर देंगे तो वो पीछे से जो भी व्हीकल आएगा उसको पता लग जाएगा कि हाँ वहाँ पे कोई व्हीकल रुका हुआ है और उसमें कोई प्रॉब्लम है। या तो बहुत ज़्यादा फॉग का टाइम है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं अच्छी विजिबिलिटी के लिए, या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं या नए ड्राइवर हैं तो इसको ऑन करके आप यूज़ करेंगे तो आपके सामने या पीछे वाले को पता लग जाएगा कि ये नया ड्राइवर है, तो वो पहले ही सतर्क हो जाएगा। या तो रात के टाइम अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं और आपको साइड में वैसे ही कुछ देर के लिए रुकना है तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हजार्ड इंडिकेटर का यूज़ किया जाता है। तो अभी मैं इसके वायर के बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो रेड वायर है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये दोनों जो आप देख रहे हैं येलो और ग्रीन वायर, ये दोनों इंडिकेटर के लिए। बाकी जो कनेक्शन है वो मैं अभी आपको जब करूँगा तब आपको समझा दूँगा। इसमें 10 फ्लैश मोड दिया गया है, ये यूनिवर्सल है। और इसके इंस्टॉलेशन के लिए हमें एक स्विच चाहिए होगा अलग से, तो मैंने पुश एंड पुल स्विच यूज़ करूँगा मैं इसमें। और जो हमें पैनल रिमूव करना है उसके लिए एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए। तो अभी जो मैं जितना भी कनेक्शन करूँगा वो इसके अंदर करूँगा, मतलब इस वाले पैनल को पहले रिमूव करना होगा। और इस पैनल को रिमूव करने के लिए हमें इधर जितना भी स्क्रू दिख रहा है ये सारा स्क्रू ड्राइवर से खुल जाएगा, यहाँ यहाँ इसी तरह उस तरफ भी है, एक यहाँ पे है और एक आपको इसके नीचे मिलेगा यहाँ पे, सेम इसी तरह इस साइड भी होगा। तो मैं इसको फटाफट खोल लेता हूँ और अगर आपको इसमें कहीं प्रॉब्लम आती है तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें मैंने एक्सप्लेन करके बताया है इसको खोलने के लिए। तो अभी मैंने पैनल रिमूव कर दिया, अब मैं कनेक्शन करता हूँ। तो सबसे पहले इसमें जो ग्रीन और येलो वायर है इसको मैं इंडिकेटर का जो पॉजिटिव है उसमें मैं कनेक्ट करूँगा दोनों साइड में। तो अभी मैं सबसे पहला काम ये करता हूँ कि इसका जो ये सॉकेट है इसमें लगा हुआ इसको मैं अलग कर लेता हूँ। तो अभी जो मैं कनेक्शन करूँगा वो मैं इसमें करना है, और फिर जब सारा कनेक्शन हो जाएगा तब ये जो होल दिया गया है फिक्स करने के लिए इसमें कहीं पे भी मैं फिक्स कर दूंगा इसको नट पे। तो इसका जो ग्रीन और येलो वाला वायर है इसको हम इंडिकेटर का जो पॉजिटिव वायर है उसमें कनेक्ट करेंगे। तो मैंने इसको हल्का सा एक्सटेंड किया अलग से वायर लगा के, दोनों रेड वायर ही है। तो आप किसी को भी लेफ्ट साइड या राइट साइड किसी में भी किसी को भी लगा सकते हैं इस दोनों में से, पर दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। तो चलिए इसको हम लगाते हैं पहले इंडिकेटर में। तो ये सॉकेट खोल के और इसमें ही इसको कनेक्ट कर देना है, इसका जो पॉजिटिव वायर है। तो इसमें जो आपको पॉजिटिव वायर है वो ये वाला है, ये जो लाइट ब्लू कलर का जो वायर है। बाकी इधर दोनों साइड ग्रीन है, ये दोनों नेगेटिव है ग्रीन वाला, बाकी जो अदर कलर है वो पॉजिटिव है। इसी तरह हम उस साइड भी जो ये वाला वायर है ब्लू वाला इसको लगा देंगे। इधर रेड हल्का ऑरेंज कलर का जो वायर है वो पॉजिटिव है, तो उसमें हम कनेक्शन करेंगे। अब जो ये रेड वाला वायर है ये पॉजिटिव है, तो हम इसको बैटरी पॉजिटिव में कनेक्ट करना है। तो अगर आप डायरेक्ट बैटरी में इसको कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव,
तो होगा क्या कि बाइक अगर आपका ऑफ कंडीशन में है तब भी ये ऑन हो जाएगा जब आप स्विच ऑन करेंगे। तो इसको मैं पॉजिटिव इग्निशन से कनेक्ट करूँगा और उसका जो सॉकेट आपको मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा, ये वाला, मतलब ये जो लॉक है इससे होके वायर आया हुआ है यहाँ ब्लैक कलर का, इस सॉकेट में जो ब्लैक कलर का वायर है वही इग्निशन वायर है। बाकी इसका एक और कनेक्शन यहाँ पे गया हुआ है, ताकि मैं अक्सर करता था कनेक्शन, बाकी वीडियोस में भी कनेक्शन किए हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ भी कर सकते हैं। तो अभी तो मैं यहीं पे कर लेता हूँ क्योंकि मैंने कुछ मॉडिफिकेशन कर रहा था जिसके वजह से मुझे यहाँ पे जो ये ब्लैक वायर आया हुआ था तो उसको काटना पड़ा, तो मैं यहीं पे इसको कनेक्ट कर दूंगा। बाकी आप इसको कटवट मत करना, अगर यहाँ पे आपको कनेक्शन करना होगा तो इस सॉकेट को खोल के और इसके सामने वाला जो पॉइंट है उसमें ही वायर डाल के बाकी फिर से सॉकेट को लगा देना है। तो अभी मैं इस रेड वायर को हल्का सा एक्सटेंड कर लेता हूँ अलग से वायर लगा के, फिर मैं कनेक्शन करूँगा। इसको हम कर देते हैं इग्निशन में कनेक्ट। अगर आपको यहाँ पे कनेक्शन करने में कोई प्रॉब्लम है तो मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसमें कि मैंने ऊपर साइड जो हेडलाइट का जो पार्ट है उसको खोल के मैंने किया था, तो आप वहां से भी कर सकते हैं इसको कनेक्शन, बाकी हो जाएगा यहाँ से, आप एक बार करके देख लेना। अब जो इसमें एक ब्लैक वायर बच गया है उसको हम जो अलग से मैंने स्विच लिया है उससे दो वायर निकलेगा, ठीक है, और उस दोनों वायर में से एक वायर, किसी भी एक वायर को आप इस ब्लैक वायर में कनेक्ट कर देना। और तो अब ये पुश एंड पुल स्विच है, तो इसको मैं ड्रिल करके और फिर मैं अपनी स्कूटी में पहले इंस्टॉल करूंगा इसको, फिर कनेक्शन करूंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं इसका कनेक्शन कर लेता हूं। तो मैंने, आपको याद होगा मेरी एक फॉग लाइट की वीडियो थी, उसमें मैंने इसको लगा के दिखाया था आपको, तो अगर इसको आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देखिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अभी मैं फटाफट इसको ड्रिल करके इसको मैं पहले सेट कर लेता हूँ, फिर आगे का कनेक्शन करके दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों मैंने स्विच को यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया और इससे मैंने दो वायर निकाला है, तो इसमें से कोई भी एक वायर आप फ्लैशर का जो ब्लैक वायर है उसमें कनेक्ट कर देना है। अब हाँ, बैटरी का जो निगेटिव पॉइंट है उससे हमें एक पॉइंट निकालना है, मतलब एक वायर इसमें कनेक्ट करना है, और वो वायर आपका जो स्विच का एक वायर बच गया है और इंडिकेटर का जो दोनों निगेटिव वायर है उसमें कनेक्ट करना है। तो मैंने ये बैटरी का जो निगेटिव है उस पर एक वायर कनेक्ट किया और उससे दो वायर निकाला है, तो उसमें से एक वायर आपका इधर वाले इंडिकेटर का जो निगेटिव पॉइंट है उसमें जाएगा और दूसरा वायर इस तरफ वाला जो निगेटिव पॉइंट है इंडिकेटर का उसमें जाएगा, और एक वायर जो बच गया था इधर इंडिकेटर का उसको भी इसमें कनेक्ट कर देना है बैटरी के निगेटिव से। तो चलिए फटाफट करते हैं इसको। तो इसको फिक्स करने के लिए तो मुझे यहाँ पे कहीं दिखा नहीं सही जगह, क्योंकि जहाँ भी मैं फिक्स कर रहा था तो ये पैनल लग नहीं रहा था, तो मैं इस पर डबल साइडेड टेप लगा दिया 3M का, और इसको यहाँ बैटरी का जो ये ऊपर है इस पर मैं इस पर फिक्स कर दूंगा इसको।
तो सारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया और जो भी कनेक्शन था अब मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ। ये दोनों इंडिकेटर के लिए, बल्ब और एलईडी दोनों के लिए ये सुटेबल है। ये देखिए, ये बल्ब इंडिकेटर है और इसमें मैंने जो एलईडी स्ट्रिप लगाया था उसमें एलईडी है, तो ये एलईडी भी काम कर रहा है इसमें। और इसका भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, अगर चाहे तो आप उसको देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब मैं पैटर्न चेंज करता हूँ। पैटर्न चेंज करने के लिए इसको आपको दो बार ऑन ऑफ करना होगा, ऑफ ऑन ऑफ ऑन। और जैसे जैसे पैटर्न चेंज होगा तो ये जो इंडिकेटर है इसका लेफ्ट राइट से, ये दोनों उसी तरह से ब्लिंक करेगा पैटर्न के हिसाब से। इसी तरह से 10 पैटर्न इसमें है दिए गए, इसी तरह से 10 पैटर्न है इसमें, 10 तरह के पैटर्न है। आप यहां से इसको चेंज कर सकते हैं, ऑफ ऑन ऑफ ऑन। ये देखिए फिर से एक और नया पैटर्न। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।